और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, विश्वराज सिंह करीब 5 बजे के आसपास धूनी दर्शन कर सकते हैं। आज सिटी पैलेस स्थित धूनी दर्शन को लेकर ही तनाव और विवाद उपजा था। पुलिस प्रशासन और सिटी पैलेस प्रबंधन के बीच हुई वार्ता से अब राहें आसान हो गई है, खुल गई है राह धूनी दर्शन की। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। कलेक्टर अरविंद पोसवाल और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल भी समोर बाग पहुंच चुके हैं, विश्वराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात कर रहे हैं। अविनाश जगनावत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, जिस मुद्दे को लेकर पेच फंसा हुआ था, जरा बताइए, क्या मान लिया जाए अब वो पेच खुल गया है, राहें खुल गई हैं? अविनाश, देखिए, आधिकारिक पुष्टि इस बात की अभी तक किसी पक्ष की तरफ से नहीं हो पाई है, लेकिन अंदर जिस तरह से चर्चा चल रही है और समोर बाग में जिस तरह का माहौल है, उससे लगता है कि प्रशासन जो कि मध्यस्थता की भूमिका में अब तक था और उसको विफलता हाथ लग रही थी, अब जो है अब उसमें लगता है कि सफलता मिली है। संभवतया दोनों पक्षों के बीच में जो विवाद था वो हल हो चुका है, लेकिन क्या कितने लोग दर्शन के लिए जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, क्या प्रोटोकॉल होगा, इसके बात नहीं होगी, आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन संभावना यही है कि आज 4 से 5 बजे बाद विश्वास निवास धूनी दर्शन के लिए किसी के अंदर जा सकते हैं। और अगर धूनी दर्शन हो जाते हैं तो जो विवाद चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म जो है वो हो जाएगा, लेकिन अभी तक जब तक नहीं होते हैं तब तक ये कह पाना की पूरी तरह से सहमति बन रही है या विवाद खत्म हो गया, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहले भी इस तरह की जानकारी आई थी कि 5 लोगों को अनुमति मिली है या 10 लोगों को अनुमति मिली है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक समय थी और केवल अफसर लिखी, लेकिन ये आज जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस तरह पंचे जरूर करता है कि जो विवाद धूनी दर्शन को लेकर चलता था संभवतः उसका प्रकाशित हो सकता है और उसी को लेकर अब अंदर विश्वास सिंह मेवाड़ मौजूद है, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल मौजूद है, उसके अलावा जो पूर्व राज परिवार की करीबी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर बात चल रही है, कुछ देर बाद में पूरी चीज का प्रकाशित हो जाएगा, धूनी दर्शन के लिए अगर जा रहे हैं तो किस तरह क्या पुरुषों पर नहीं जा रहे, आगे की रणनीति क्या होगी, कुछ देर उधर पीछे बाहर जो है युवा कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। जी, अब जिस तरह की तस्वीरें अविनाश हमने परसों देखी थी, 2 दिन पहले देखी थी, अब उस तरह की स्थिति ना बने, क्योंकि बात धूनी दर्शन की हो रही है और 5 बजे की हो रही है, तो क्या प्रशासन की तरफ से एहतियातन व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रशासन ने बहुत शिक्षा व्यवस्था की है, 2 दिन पहले की बैरिकेडिंग की व्यवस्था की, काफी स्तर पे कई स्तर पे बदलाव किया गया है, लोहे की जालियां लगाकर बैरिकेड तैयार किए गए हैं, किसी भी तरह से कोई भी बैरिकेडिंग से आगे नहीं बढ़े, उसको लेकर प्रशासन ने शिक्षा व्यवस्था की है, किसी तरह के जो रणनिवास का दरवाजा है उसको पूरी तरह से चेक किया गया है, उसके अलावा इससे पहले ही एक शिक्षा देने के लिए जिसको किसी तरह से भी चला जा सके धारा 163 जो है वो लगा दी गई है, ताकि प्रशासन जो है अगर कोई उससे तोड़ने का प्रयास करे तो इसके जो है कार्रवाई उनके ऊपर की जा सके। शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी के लिए नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।